क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन फोर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे समझिए, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक फिक्स चार्ज दिए हुए हैं, एक पर किलोमीटर का चार्ज दिए हुए हैं। टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। एक फिक्स चार्ज है और दूसरा चार्ज अलग से ले रहा है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड, 10 किलोमीटर के लिए कुछ चार्ज पे किया लेकिन फिक्स चार्ज उसमें ऐड होगा, ठीक। फिर 15 किलोमीटर कुछ चार्ज पे किया तो उसमें भी फिक्स चार्ज ऐड होगा। फिक्स चार्ज को ऐसे समझिए जैसे आपने किराए में गाड़ी की, ठीक है। उसने कहा 2000 रुपए लूंगा और साथ में पेट्रोल जो किलोमीटर जितना चलेगी, तो जो 2000 है वो आपका फिक्स हो गया, वो तो देने देने हैं। उसके बाद जितने किलोमीटर चलेगी पर किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल देना है या पैसे देने, जो भी वो अलग हो गया। सेम यही सिस्टम यहाँ भी, एक फिक्स चार्ज है, एक पर किलोमीटर का चार्ज है, ठीक है। तो बहुत इजी वे में आप कर लेंगे। उसके बाद में हमें फाइंड करना है, तो फाइंड द डिस्टेंस, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का चार्ज भी बताना हमें, तो बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे हम पहले। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। तो 10 किलोमीटर है प्लस फिक्स चार्ज तो उसमें ऐड होगा, तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर कितना y, तो 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा 10y, और इसकी वैल्यू कितनी है ₹155, ठीक। अभी हमको मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में है अ जर्नी ऑफ, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹155। ये 105 है, सॉरी, अब 15 किलोमीटर की जर्नी तो फिक्स चार्ज उसमें ऐड रहेगा, और 15 किलोमीटर यानी कि पर किलोमीटर वाई है, तो 15 किलोमीटर का 15y हो गया और इक्वल टू ₹155। बस ये दो इक्वेशन मिल गए। अब हमें x और y की वैल्यू यानी कि फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड कर लेना, उसके बाद हम 25 किलोमीटर को बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। तो चलिए किसी को भी ले लो, फर्स्ट ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x plus 10y equal to 105, तो x equal to 105 minus 10y, इसको बना देते हैं थर्ड, ठीक। अब x की वैल्यू हम रखेंगे किसमें, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से लिया है, ठीक है, तो सेकंड में रखते हैं। फ्रॉम सेकंड ले लेते हैं, इन प्लेस ऑफ x 105 minus 10y plus 15y equal to 155। तो देखिए 105 उधर जाएगा, सबट्रैक्ट होगा, और 15y में माइनस का 10y सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां तो 5y बचा, और 155 में 105 सबट्रैक्ट होगा तो 0, 5, 50 बचेगा, ठीक है। सो हियर इट विल लेफ्ट 15, तो y equal to क्या मिल जाएगा, 5 × 10 = 50, y मेरा 10, यानी कि हमें क्या मिल गया, चार्ज पर किलोमीटर मिल गया। अब फाइंड करना फिक्स चार्ज, तो किसी थर्ड को ले लेते हैं। फ्रॉम थर्ड, थर्ड से ले लेंगे, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो x equal to 105 minus 10 multiply y की वैल्यू क्या है 10, तो x equal to 105 minus 10 10 = 100, so x equal to क्या मिल जाएगा 5, easy, very easy। तो चार्ज पर किलोमीटर है 10 और जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीस है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर की, तो चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक। तो इसमें भी आपका फिक्स चार्ज तो ऐड रहेगा,
यानी कि x और 25 किलोमीटर गया पर किलोमीटर के हिसाब से, तो y इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो x क्या है 5 प्लस 25, y क्या है 10, बस 5 प्लस 25 पे 250 और 250 प्लस 5 255, इजी है, बहुत इजी है।